हेलो एवरीवन, आज हम लुईस स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी कंपाउंड का या फिर किसी भी आयंस का लुईस स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो किसी भी कंपाउंड या आयन का लुईस स्ट्रक्चर अगर आपको ड्रॉ करना है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो हमारा पहला स्टेप है काउंट टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो उस स्पीसीज के सारे एटम का काउंट कर लो जिसको कि हम वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर सेकंड स्टेप है काउंट टोटल इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीट ऑक्टेट और डुप्लेट। तो उन एटम को ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वो काउंट कर लेते हैं जिसको कि हमने ओ से रिप्रेजेंट किया। फिर हमारा थर्ड स्टेप है काउंट टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो उन एटम के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है हमें ये काउंट करना है। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उनमें से बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो हम माइनस कर देते हैं तो हमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो पता चल जाता है। फिर फोर्थ स्टेप है काउंट टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म, कितने बॉन्ड जो है उन एटम के बीच बन रहे हैं। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को 2 से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ बॉन्ड जो है वो हमें पता चल जाता है। फिर फिफ्थ स्टेप है काउंट टोटल नंबर ऑफ अनशेयर्ड या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम कैसे काउंट करेंगे, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस कर दोगे आप तो हमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे। फिर हमारा सिक्स स्टेप है काउंट टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को 2 से हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें नंबर ऑफ लोन पेयर्स पता चल जाती है। तो इन सिक्स स्टेप की हेल्प से हम किसी भी कंपाउंड का या किसी भी आयन का लुईस स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि लुईस स्ट्रक्चर जो है वो कैसे ड्रॉ किया जाएगा। तो हमें ये जो कार्बोनेट आयन है इसका लुईस स्ट्रक्चर जो है वो बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो हमारा पहला स्टेप है काउंट टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम काउंट कर रहे हैं। तो कार्बन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, ऑक्सीजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, इनको 3 करोगे क्योंकि 3 ऑक्सीजन है और चूंकि 2 नेगेटिव आयन है मतलब प्लस 2 भी आपको करना पड़ेगा। 2 नेगेटिव आयन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो ये 18 हो जाएगा, ये 20 और ये 24, तो टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 24 हैं। दूसरा है हमें काउंट करना है ऑक्टेट या डुप्लेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स या डुप्लेट इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं तो कार्बन के लिए 8 चाहिए, ऑक्सीजन के लिए भी 8 चाहिए, तो 3 ऑक्सीजन हैं तो 8 + 8 × 3 तो 32 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमें चाहिए इन चार एटम को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। फिर थर्ड है नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे हम काउंट करते हैं, जो ऑक्टेट में से हम क्या करते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देते हैं तो 32 - 24 तो ये कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन की जो है वो शेयरिंग चल रही है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कितने बन रहे हैं, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 8, ठीक है। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो 8/2 मतलब 4, 4 कोवेलेंट बॉन्ड जो है यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ स्टेप में हमें क्या करना है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो काउंट करने हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसको कि हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है हमारे कितने हैं 24, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 16। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे कैसे हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब लोन पेयर काउंट कर लेते हैं, टोटल लोन पेयर तो हमारे पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 16 है, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो ये 8 लोन पेयर जो है वो आ जाएंगे। तो देखो भाई, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 24 है और कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो 4 जो है वो बन रहे हैं। तो इस आयन में कार्बन तो सेंटर में रहेगा और ऑक्सीजन जो है वो साइड एटम का रोल प्ले करेगा।
तो कार्बन को तो बीच में हम लिखेंगे, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो जो हमने दिखा दिए। ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन जो है वो ऐसे रख दो, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। ऑक्सीजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिए, इसके भी आप 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे दिखा दो, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस ऑक्सीजन के भी आप 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो आप दिखा दो, दिखा दिए। अब 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो हमने बना दिए। माइनस 2 का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन आए, किसके पास आए, ऑक्सीजन के पास आए, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी हाई है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आया, 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आया। तो बस ये हमारा कार्बोनेट आयन जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो गया। तो बस ये माइनस 2 जो है लिख दीजिए। तो देखो भाई, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इन दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर्ड है, तो बिल्कुल है। देखो यहाँ पे 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए, 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे 16 जो है वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और नंबर ऑफ लोन पेयर कितनी है, 8 लोन पेयर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोन पेयर है। बस ये स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। तो बस इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे जो है वो अच्छे से बना देते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पेस जो है अपने पास कम था। और देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आ चुकी है, और यहाँ पे हमको जो है -2 चार्ज दिखा देना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बाहर से आई थी। अब हमें नाइट्रिक एसिड का जो है वो लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखो जरा, नाइट्रिक एसिड में 3 ऑक्सीजन के एटम है, 1 नाइट्रोजन का है, 1 हाइड्रोजन का एटम है, तो टोटल 5 एटम जो है वो इसमें प्रेजेंट हैं। तो अगर हम बात करें बैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन में 5 होते हैं, हाइड्रोजन 1 होते हैं, तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन में 1+5+6×3, तो 24 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब हमें ऑक्टेट या फिर डुप्लेट इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ऑक्सीजन तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, नाइट्रोजन भी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो डुप्लेट कंप्लीट करेगा। तो हाइड्रोजन का 2 ऐड करेंगे, नाइट्रोजन का 8 और ऑक्सीजन का 8×3, तो ये हो जाएगा 34 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या होगा, 34 वैसे 24 माइनस कर दोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कितने बनेंगे, तो 10/2, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 10 है, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 5 कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बन जाएंगे। और हमारे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, जिनको कि हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, वो कितने हो जाएंगे, तो हमारे 24 तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है और उनमें से 10 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। लोन पेयर्स जो है वो कितनी हो जाएंगी, 14/2 करोगे तो 7 लोन पेयर्स हो जाएंगे। तो बस स्ट्रक्चर बनाते हैं, 5 बॉन्ड बनना है, नाइट्रोजन सेंटर में आएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन साइड में आएंगे, तो नाइट्रोजन भैया सेंटर में, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो आप ऐसे शो कर दीजिए, कर दिए। अब देखो जरा, जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से ही अटैच होगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, इसलिए हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के पास। तो भैया ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दीजिए, इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे दिखा दो, इस ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन आप जो है वो ऐसे दिखा दीजिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये दिखा दिया। अब देखो जरा,
ये बॉन्ड बना लेंगे। ऑक्सीजन के दो बॉन्ड जो है वो कंप्लीट हो गए, हाइड्रोजन का एक बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब देखो जरा, ऑक्सीजन तो दो बॉन्ड बनाता है, तो नाइट्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के कारण और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और अब यहां पे ये लोन पेयर के थ्रू इस ऑक्सीजन से क्या बनेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो बनाया जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया HNO3 का। तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, दो तीन चार और पांच बॉन्ड बन गए। तो पांच बॉन्ड तो देखो ये हमारे बन चुके हैं, ठीक है। अब हमें लोन पेयर्स काउंट करने हैं, कितने हैं, सेवन लोन पेयर। तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट हैं। तो अनसाइड इलेक्ट्रॉन 14 हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और क्या करना है, और तो कुछ नहीं करना, बस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें यही मेथड अप्लाई करनी है। तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ये सेमी पोलर नेचर का होता है। अगर आपने इसको कोवेलेंट बॉन्ड की तरह कंसीडर किया तो देखो भाई इसके दो इलेक्ट्रॉन, देखना नाइट्रोजन की दो इलेक्ट्रॉन मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। तो नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इसके पास चला गया, तो इस पर क्या हो गया नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पूरा कंपाउंड हमारा कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, क्योंकि सेम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो अगर इक्वल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं तो ऐसा कंपाउंड आपका कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है नाइट्राइल आयन। अब इसका हमें लुईस स्ट्रक्चर बनाना है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, ऑक्सीजन में 6 होते हैं, इंटू 2 करोगे और एक नेगेटिव चार्ज है तो वो भी ऐड किया जाएगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 है, और ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने चाहिए, क्योंकि ये तो सभी ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, तो तीन एटम है तो 24 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो 24 जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए उसमें से 18 मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो बॉन्ड कितने बनेंगे, 6/2, तो 3 जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम लोन पेयर की बात करें तो 12 में से 2 डिवाइड कर दोगे तो 6 जो है वो लोन पेयर होंगे। तो बस हमें तीन बॉन्ड बनाना है, नाइट्रोजन जो है वो सेंटर में रहेगा। नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो बना दिए। ऑक्सीजन जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए, तो ये इलेक्ट्रॉन हम यहाँ बना देते हैं, तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड में जाएगा। एक ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड में रहेगी, क्योंकि हमें तीन बॉन्ड ही बनाने हैं, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दिए, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन आएगा, किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे ही आएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो मोर नेगेटिव एटम पे ही आएगा। तो बस ये जो है हमारा नाइट्राइड आयन जो है उसका स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो जरा, बॉन्ड तो हमने तीन बना दिए, अब इसमें लोन पेयर 6 है, तो लोन पेयर देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लोन पेयर हमको दिखाई दे रहे हैं। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 है, तो देखो 2, 2, 4, 2, 6 ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कर, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।